जो मेषपाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं, और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूँ कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता, और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबा के रहेंगे हम लोग। अच्छा, रामराज की जो बात की जा रही थी तो उसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष जो है ना, हमने कल असेंबली में देखा, उनसे एक ही चीज पूछना चाहिए, बोया आपने बीज बबुल का तो आम कहाँ से हुए? तो आपने आम का बीज बोया था तो आज आम ही आम होता पूरे उत्तर प्रदेश में। ये बबुल के जो बीज हैं वो तो आप ही के बोए हुए हैं, उसकी फसल हम काट रहे हैं और काट के उसको दबाएंगे भी, जिससे वो फन फिर से ना उठा पाए। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, 6 साल से हमने बहुत काम किया है। ये वो चिराग है जो तेल जब कम हो जाता है तो फड़फड़ाता है, तो हमने 6 साल बहुत काम किया है और मैं इतना ही कहूँगा, यह फड़फड़ा रहा है चिराग, इसके बुझने के पूरे दिन आ गए। कहीं ना कहीं ये घटना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है, मगर ये घटना बड़ी है, मैं इसको इनकार नहीं करता। और मगर एक इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठ सकती। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। नहीं, देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं, मगर कमिश्नर प्रणाली एक अच्छी व्यवस्था है, उससे बहुत सुधार होते हैं, तो आने वाले समय में आप देखिएगा। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीता है। आप छोड़ दीजिए, आप ये सब चीज़ें पुलिस पे छोड़ दीजिए, ये जितनी भी है इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पे चल रही है। कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है मीडिया में हर दफ़े, और इसलिए जो पुलिस को जिस समय बताना है, कैसे बताना है, वो बताया जाएगा। गुंडाराज खत्म होने की बात हो रही थी, गुंडाराज खत्म हुआ है, इस घटना से आप पूरी चीज़ों को मत जोड़िए। भैया बर्बाद हो गए, जब बच्चे बर्बाद हो गए।